सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निष्ठा ट्रेनिंग कल से शुरू होने वाली है। ये प्रोग्राम आपका 3 महीने चलेगा। 3 महीने में आपको 18 ट्रेनिंग करनी होंगी। ट्रेनिंग का शेड्यूल्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था किस दिन से आपकी कौन सी ट्रेनिंग शुरू होगी। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी पैनिक हो रहे हैं, वे बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है कि ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कब ट्रेनिंग शुरू होगी। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं और बहुत सारे मैसेज मेरे सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, कल दिनांक 16/10/2020 से आपका मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये मॉड्यूल 1 जो है हमारा यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा उत्तर प्रदेश के नाम से है, इसकी ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रशिक्षण से पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी है, प्रशिक्षण को कैसे पूरा करना है, कैसे हमें रजिस्टर करना है, ये सब हम आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बार बार मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी मैं समय समय पर आपको आपके साथ साझा करता रहूंगा, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके 3 महीने तक प्रशिक्षण चलेंगे और आपको एक प्रशिक्षण के लिए 5 दिन का टाइम मिलेगा। कल दिनांक 16/10/2020 से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नहीं प्रशिक्षण करने में ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि 5 दिन तक प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण को बहुत ध्यान से करिए, अच्छी तरह से वीडियो देख के करिए, क्योंकि इन प्रशिक्षण के मार्क्स आपकी ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे। तो इसलिए अब तक हमने जैसे प्रशिक्षण किए, बहुत सा प्रशिक्षण हम जल्दी जल्दी में वैसे ही कर लेते थे, बिना उसको देखे हम आगे बढ़ाते चले जाते थे और प्रशिक्षण पूरा हो जाता था। इन प्रशिक्षणों को आपको ध्यान से करना है। आपके 3 से 4 घंटे एक प्रशिक्षण में लगेंगे, आप उन्हें ध्यान से करिए। पहली बात तो यही। दूसरी, दिनांक 16/10/2020 को आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, तो आप कोशिश मत कीजिए कि एकदम प्रशिक्षण प्रारंभ होते एकदम आप प्रशिक्षण करें। थोड़ा रुकिए, इंतजार करिए, प्रशिक्षण को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी कल शाम तक आपको प्रशिक्षण के बारे में फुल डिटेल्स में आपको बता दूंगा, एक वीडियो आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। तो इसलिए प्रशिक्षण को करने में ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी का आप करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। प्रशिक्षण को कैसे पूरा करना है आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, मैंने वीडियो में बताया था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो साथियों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका दीक्षा से मानव संपदा मर्ज हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने दीक्षा ऐप को ओपन करना है, यानी दीक्षा ऐप पर आपको लॉगिन करना है। कुछ शिक्षक साथी कंफ्यूज हैं कि दीक्षा ऐप को कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि वे लॉगिन मेरे पे एक दो के फोन भी आए, वे लॉगिन करने में फिर दोबारा से स्टेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। वो यूज नहीं करना, आपको दीक्षा को ओपन करना है, और दीक्षा को ओपन करने में अगर आपने फोन नंबर से लॉगिन किया था दीक्षा को, तो आपको फोन नंबर से करना है और अपना पासवर्ड डालना है, और अगर आपने ईमेल से किया था तो आपको ईमेल से लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड डालना है। ऐसे ही करना है जैसे मर्ज करने से पहले आप दीक्षा को ओपन करते थे। अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं तो मैंने एक दो वीडियो बनाई हुई है, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए दीक्षा का। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, अपने फोन नंबर से या ईमेल एड्रेस से आपका पासवर्ड होगा उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सारे प्रशिक्षण दीक्षा ऐप से करने हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको दीक्षा ऐप ओपन करना है और उसमें पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा को सर्च करना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं।
मैं दीक्षा ऐप को अपने आप ओपन कर लेता हूं। कैसे? हमने दीक्षा ऐप को ओपन किया, दो तरीके हैं। एक तो आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप से लिंक मिल गया, इस तरह का लिंक आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। इसमें लिखा है सभी बीएससी डाइट प्राचार्य बीईओ एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर संकुल शिक्षक निष्ठा एडमिन और अन्य सदस्य कृपया ध्यान दें, निष्ठा प्रशिक्षण प्रदेश में 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। इस क्रम में पहला मॉड्यूल 16 अक्टूबर से लाइव किया जा रहा है, दूसरा और तीसरा मॉड्यूल क्रमानुसार 20 अक्टूबर से लाइव किया जाएगा। यानी आपका जो पहला प्रशिक्षण होगा वो 16 से 20 तक चलेगा, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 16 को नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, आप 17 को कीजिए, अच्छी तरह से उसे पहले समझ लीजिए तब आप 17 को उसे कीजिए, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण से जुड़ी कुछ जानकारी निम्नलिखित है, मॉड्यूल 1 दीक्षा का लिंक आपको दिया हुआ है, इस तरह का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप में इस लिंक को डाल दूंगा, आप इससे प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसमें वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है, इसमें वीडियो का लिंक मैंने अपना डाल दिया, कोई और यूट्यूब चैनल वाले इसमें अपना डाल देते हैं, तो इस लिंक को आपको चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल का लिंक आपको दिया है, इसको आपको ओपन करना है। स्टार्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर 2020 है और एंड डेट आपकी 31 अक्टूबर 2020 है, यानी 15 दिन के अंदर आपको 3 प्रशिक्षण करने हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 16 से 20 तक पहला आपका मॉड्यूल चलेगा, आप एक दिन में कर लेंगे बड़े आराम से 3 घंटे में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सभी बीएससी डाइट प्राचार्य बीईओ एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर, इस तरह से अगर आपको लिंक मिलता है तो आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करना है। देखो मैं आपको लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूं, लिंक पे मैंने क्लिक किया, ऐसे ही आपका ओपन हो क्या जाएगा ब्राउजर या दीक्षा, दीक्षा पे आप ओपन करेंगे। अगर आपके दीक्षा में लॉगिन आपका पहले से हुआ है तो ये सीधा आपको प्रशिक्षण में ले जाएगा, इस तरह से आपको ये प्रशिक्षण में ले जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा दीक्षा में अपने आप। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो इस तरह से आपका प्रशिक्षण ओपन हो जाएगा। यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश सहज, ये आपका 0% है, सीखना शुरू करें, इस पर क्लिक करेंगे और आपके मॉड्यूल का विवरण, परिचय, पाठ्यचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी, सबसे बाद में इसमें प्रश्नोत्तरी है, तो आप कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी जितनी मदद हो सकती है उतनी करूंगा, तो आप अभी जल्दी मत कीजिए। ये सबको आपको एक एक करके कंप्लीट करना है, 100% आपको कोर्स कंप्लीट करना है और लास्ट में जो प्रश्नोत्तरी है उसके उत्तर आपको देने हैं। कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड एक वीडियो और मैं बना दूं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिंक मिल जाता है तो इस तरह से आपको शुरू करना है, सीखना शुरू करने पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सीखना शुरू करने पे क्लिक करेंगे तो इसमें आ गया बैच 16 अक्टूबर 2020 से उपलब्ध होगा, यानी अभी ये खुल नहीं रहा है, कल को आपका खुल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है अगर आपको लिंक मिल जाता है। मान लीजिए आपको लिंक नहीं मिलता, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? अगर आपको लिंक नहीं मिलता इस तरह का, तो आपको क्या करना है, जस्ट अपने दीक्षा ऐप पर जाना है, ये आपका दीक्षा ऐप है, मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ, मैंने इसे लॉग आउट कर दिया, तो आपको क्या करना है, दीक्षा ओपन करेंगे तो इस तरह का प्रोफाइल आपका आ जाएगा, प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके दीक्षा का लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा, यह अभी नहीं आया है, देखते हैं, ये आपका लॉगिन पेज ओपन होकर आ गया। तो आपको यहां पर अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर और यहां पर आपको पासवर्ड डालना है यहां पर आपने, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पे क्लिक कीजिए। फॉरगेट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड फोन नंबर पे मांगते हैं या ईमेल पे, आप फोन नंबर पे क्लिक कर दीजिए, आपको एक ओटीपी आएगा और उस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे उसे देख सकते हैं, क्योंकि आपको लॉगिन जरूर करना है। अगर आप आपको ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पता है, पासवर्ड पता है, सिर्फ यहीं पर लॉगिन करना है, आपको साइन इन गूगल नहीं किया, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको यहां पे लॉगिन करना है। यहां पे लॉगिन करेंगे, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, फोन नंबर और आप अपना पासवर्ड आप यहां पे डाल देंगे। देखिए किस तरह से मैंने फोन नंबर डाला, पासवर्ड डाला और उसके बाद लॉगिन मैंने कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपका
लॉगिन पेज ओपन होकर आ गया। तो इसमें आपको लॉगिन पेज में कोर्स पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे कोर्स लिखा हुआ है, और इसमें आपके मेरे राज्य के कोर्स में आपको वो कोर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से जब ढूंढेंगे आप, यहाँ से ऐसे ढूंढते चले जाएंगे तो आपको अपना कोर्स मिल जाएगा। ये मैं तब बता रहा हूँ अगर आपको नहीं मिलता, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब ऊपर सब ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा लिखेंगे, आप लिखते हैं पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, आपने यहाँ पर लिखा और लिखने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। आपके पास देखिए MP पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, यहाँ पर आपको लिखना होगा पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, कभी फिर कन्फ्यूज हो जाएं। इस पर क्लिक करेंगे जो आपके सबसे ऊपर है सर्च का निशान, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे पाठ्यचर्या, PATHYA पाठ्यचर्या, CHARYA पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ऐसे किया और सर्च बार के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च बार पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके निकल के आ जाएगा, अभी ये आया नहीं है इसमें, पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, ये आ गए हैं आपके निकल के, इस तरह के आपके निकल के आ जाएंगे। इसमें आपके देखो कितने सारे ऑप्शन आपके निकल के आ गए। तो इसमें हमें करना कौन सा है, MP पाठ्यचर्या समावेशी शिक्षा, MP का तो हमें नहीं करना, पाठ्यचर्या समावेशी शिक्षा, उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा आपका निकल के आ गया। ये देखिए दूसरा खुल गया, उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा उत्तर प्रदेश, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का ये आके आ जाएगा और आपको इसको कंप्लीट करना है, कल आपको कंप्लीट करना है इसको। तो कल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आप ध्यान से धैर्य से करिए और बहुत समझ के इनको करिए, क्योंकि इनके मार्क्स आपकी ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कल जैसे ये ट्रेनिंग शुरू होती है मैं इसकी पहले इसको करूँगा ध्यान से, और उसके बाद कोशिश करूँगा इसकी एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।